दोस्तों वैसे तो डॉग ब्रीड सभी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ काफी अच्छी डॉग ब्रीड होती हैं जो कि आप लोग को हर कहीं पर इजीली मिल जाती हैं और आप लोग इजीली उन्हें सेल भी कर पाते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसी डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक नहीं बल्कि दो डॉग ब्रीड लेकर आया हूँ, जिसमें से एक है बुल्ली कुत्ता। भाई इसके बारे में तो कौन नहीं जानता क्योंकि एक मस्टिफ डॉग ब्रीड है, काफी लार्ज साइज के होते हैं और फैमिलीज के लिए तो बहुत ही वफादार। और हमारी जो सेकंड डॉग ब्रीड है वो तो एवरग्रीन डॉग ब्रीड है, जिन्हें आप लोग कहीं पर भी कभी भी परचेज कर सकते हो। वो किसी के साथ अग्रेसिव नहीं होते और ना ही किसी के ऊपर अटैक करते हैं, जिसका नाम है लैब्राडोर। दोस्तों ये दोनों डॉग ब्रीड आप लोग को आज की वीडियो के थ्रू मिल जाएंगी। अगर आप लोग इनमें से किसी को भी परचेज करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी अमेजिंग होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुल्ली कुत्ता पपीज के बारे में। तो भाई फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये है वो बुल्ली कुत्ता पपीज और ओनर के पास कुछ और लीटर भी अवेलेबल है। बाकी पपीज जो ना ये एग्जैक्ट 30 डेज के हो चुके हैं और ग्रोथ भी काफी अच्छी है और फीमेल की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। और पपीज जो है ना ये होम ब्रीडिंग के हैं, तो डायरेक्ट जाकर भी परचेज कर सकते हो। तो बुल्ली कुत्ता एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि भाई इनके लिए आप लोग को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा और इन्हें अच्छे से सोशलाइज करें, इन्हें अच्छे से ट्रेन करें दूसरे एनिमल्स और दूसरे ह्यूमंस के साथ में। हालांकि ये काफी समझदार होते हैं, बेवजह कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। ये किसी के ऊपर अटैक तभी करते हैं जब इनकी फैमिली के ऊपर या फिर इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए। वैसे तो ये ओनर स्पेशली बुल्ली कुत्ता में ही काम करते हैं। इनके पास काफी अच्छी ब्लड लाइन के पपीज मिल जाएंगे, छोटे पपीज भी, थोड़े बड़े पपीज भी और सेमी एडल्ट भी। तो आप लोग जिस एज के चाहें उस एज के पपीज परचेज कर सकते हो। तो गाइस अगर आप लोग इस तगड़ी डॉग ब्रीड को परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग को बता दूं कि पपीज का जो प्राइस है ना वो मेल का है 20,000 पीस 20,000 रुपए एंड फीमेल का 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए। लेकिन गाइस प्राइस नेगोशिएबल है तो बार्गेनिंग कर सकते हो। तो हमारी एवरग्रीन यानी लैब्राडोर पपीज के बारे में बात करें तो ये है वो पपीज। पपीज भी काफी अच्छी क्वालिटी में ब्लैक कलर में है, क्योंकि मोस्टली लोग इस कलर को ज्यादा पसंद करते हैं कंपेरिजन टू ऑफ व्हाइट या गोल्डन कलर। तो गाइस ये डॉग ब्रीड ऐसी है जो कि किसी भी टाइप्स की फैमिली में कंफर्टेबली रह सकते हैं, चाहे आप लोग की बड़ी सी फैमिली हो, छोटी फैमिली हो या फिर आप लोग कहीं पर भी रहते हो, ये इजिली आप लोग के साथ रह सकते हैं। और इनका मेंटेनेंस खर्च भी इतना ज्यादा नहीं होता। अगर आप लोग चाहो तो होममेड फूड पे भी इन्हें रख सकते हो और अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो इन्हें प्रीमियम फूड भी दे सकते हो, जो कि इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। वैसे सभी प्रीमियम फूड का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग अपने पपीज के लिए बेस्ट फूड परचेज कर सकते हो। वैसे गाइस लैब्राडोर पपीज में आप लोग को फीमेल पपीज नहीं मिल पाएंगे बिकॉज ओनर के पास सिर्फ मेल पपीज ही अवेलेबल है। और जो बुल्ली कुत्ता है और ये लैब्राडोर पपीज है, इनके जो फादर की फोटो वीडियोज है ना वो आप लोग ऑन डिमांड ले सकते हो। नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो भाई अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 35 डेज के हो चुके हैं एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है हिसार हरियाणा से। वैसे तो अगर आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट जाकर ही पपीज को परचेज करें। अदरवाइज ओनर आप लोग को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उस पर आप लोग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड फाइनली अगर इनके प्राइस के बारे में बात करें तो उन्हें जो इन लैब्राडोर पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो की 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए। लेकिन गाइस इनके प्राइस में भी आप लोग बार्गेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को भी लाइक करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय।